दोनों तरफों में लिखा है। प्यारे देशवासियों, कभी चालू हूँ जैसा कि बड़ा बड़ा शुक्रिया भैया थोड़ा सारे ही वॉरियर ने कहते असें मौका मिल जाता कहते तुसें मिल जाता तुसें रोज ही मिलता है रोज ही करते परसों पब्लिसिटी नहीं होती थैंक यू सो मच जिसका नाम है कोविड-19। इस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है। यह बीमारी अब पूरे विश्व में आग की तरह फैल रही है और इस बीमारी के कारण पूरा विश्व थमसा गया है। परंतु हमारे देश में भारत सरकार द्वारा समय पर ठोस कदम उठाने के कारण इस बयान नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और अन्य सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों को जाता है जो दिन रात इस महामारी अपनी जान की परवाह किए बिना देशवासियों की रक्षा बाकी लाजमी भगवान आप सभी का रूप लेकर प्रकट हुए हैं। आप सभी अपने परिवार से दूर रहकर देशवासियों की स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं। भारतीय सेना जो दिन रात घरों से बाहर रहकर लॉकडाउन का पालन करवाने और जरूरी सेवाओं की और परिचालन करवा रहे हैं। इसके
सर नाम लगे ना मोर डॉक्टर्स कैन जॉइन प्लीज बीच बीच में आ जाए पीछे कर लो पीछे आ जाए सर खाली जगह डिस्टेंस सेंटर में कर लो पीछे पीछे सारे पीछे 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 लो यहां लो सर थोड़ा बोर्ड नीचे थोड़ा सा ऑल दी वर्कर्स वर एसोसिएटेड विद also our policeman feeling safe at home because of you तो प्रयास किया गया है क्या समझते हैं इस तरह से वॉरियर्स को हॉनर्स करने को लेकर मेरा मानना है कि जो हमारे कोविड कोरोना वॉरियर्स ने जो देश के लिए जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए जो किया है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क करके ऐसे सभी की बताया है मेरे ख्याल से जो हमने आज उनके लिए किया है ये बहुत ही कम है और हमारा पूरा देश हमारा पूरा जम्मू कश्मीर इनके आज इनके ऊपर फख्र करता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये लोग इसी प्रकार अपनी सेवाएँ देते रहेंगे और हमारे देश को जम्मू कश्मीर को कोरोना से फ्री कराएंगे और इंडियन आर्मी और हमारा पूरा देश इनके साथ इस मुश्किल घड़ी में हम साथ खड़े हैं।